अरे कर रहे हैं यार, तुम तो कटाई और मचाई रही हो, ज्यादा जल्दी पड़ी हो तो खुदाई कर ले हुआ है। पापा जल्दी जल्दी करो, उधर लैट्रिन और गुसल खाना दोनों साफ करने हैं आपको। अरे यार इधर अनाना साफ कर रहे हैं, एक आदमी उधर जाई के टट्टी और गुसल खाना साफ कर ले, है सब हम ही करें। तुम्हें ही करना है अब सारी साफ सफाई, क्योंकि अब हम नहा चुके हैं, दोबारा झाड़ू वगैरह कुछ नहीं छुएंगे। ससुरी हम क्या तुझे जो सब साफ सफाई हम ही करेंगे, बहुत हुई ससुर साफ सफाई अब कुछ नहीं करेंगे। वही खड़े होके चुपचाप साफ सफाई करो, वरना ये झाड़ू पिछवाड़े में डाल के मोर बना दूंगी। पापा मोर बन के दिखाओ। चुप, पापा जल्दी करो यार, तुम तो खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो। कर रहे हैं, तू सीढ़ी टाइट करके पकड़। सीढ़ी क्यों ला रहा है? हम हिलाए थोड़ी ना रहे, वो थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है तो हाँप कप कपाए गए थे। हट तू यहाँ से, डार्लिंग यार तुम पकड़वाए के सीढ़ी है, ये ससुर शैतान का कोई भरोसा नहीं है कब गिराए दे। जी तो लिए हो जवानी, अब गिर के टूट फूट जाओगे तो कौन सा तुम्हारा कुछ घाटा होने वाला है, नहीं पकड़ पाएंगे हम, वो पकड़ा तो है ठीक। मम्मी यार ये पापा बातें बनाए रहे हैं, अभी तक इन्होंने झाड़ू नहीं लगाई है ऊपर। कर तो रहे हैं यार, और कैसे करे है? खा ले क्या ये सब जाला वाला, भर ले अपने मुंह में। हाँ ठीक है ना, खा लो जाला चक्कर, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, खाना नहीं बना पाऊंगी, यही सब खाओ। मम्मी यार हमारा भी आज खाना खाने का मन नहीं है, 10 रुपया दे के चली जाइए और 2 समोसा खा ले। पैसे अपने बाप से मांग, मैं नहीं कमाती हूँ। रही ले मेरो आंगुर, 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं। मम्मी नहीं हम कहीं दो, जब हम रुपया मांगा करें तब चुपचाप निकाल के दे दिया करें। तू करके तो देखा चोरी, घर में चोरी करने से शर्म, दिमाग किसक गाओ ना तो बैंक अकाउंट में रुपया की जगह अंडा रखिए। अरे अरे ओहो, हम नहीं करेंगे भैया साफ सफाई यहाँ पर, बच्चे बहुत हुई। अरे भैया हम नहीं कर पाएंगे। क्यों क्या हुआ? यार चूहा मरा पड़ा है साला। उस दिन तुम ही ना मारा था चूहा, देखकर कहाँ आए थे तुम, कहीं ऊपर ही तो नहीं फेंक दिया? हमने इस गधे को दिया था बाहर नाली में फेंकने के लिए, कहाँ डाल के आया तू? पापा यार हमें उस टाइम बहुत जोर की टट्टी आई रही थी तो मैंने यही ऊपर फेंक दिया था। देख रही हो तुम इसकी हरकतें, है पिछले 7 दिन पुराना चूहा यहाँ सड़ रहा है सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुमसे कोई काम पूरा होता है कभी? बनेंगे मर्द, हैसियत एक चूहे मारने की भी नहीं है। अरे डिंगर दास, तुमसे एक चूहा नहीं मारा गया है? जानते नहीं हो तुम्हारी बीवी के पीछे कितना चूहे पड़े हैं। सीख लो चूहे मारना, काम आएगा। अरे गुप्ता जी। आइए आइए, आज थोड़ा दिवाली के मौके पे नरक बाहर निकाल रहे हैं, साफ सफाई चल रही है घर की तो थोड़ा व्यस्त हैं। आइए बैठिए बैठिए। बैठिए नहीं यहाँ आइए और झाड़ू उठाइए, लग जाइए साफ सफाई में, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। अरे भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मायके जाने के बाद यहाँ पी पी के ओकते हो, इधर उधर कमला पसंद थूकते हो, ये घर तुम्हारी अम्मा का नहीं है, चुपचाप झाड़ू उठाओ और साफ सफाई पे लग जाओ, वरना मारे तुम्हारे दो हाथ। चलो करो साफ सफाई, वरना झाड़ू पिछवाड़े में डाल के भैंसा बनाई दी। चटनी दादा भैंसा नहीं मोर बनेंगे। हम पे बड़ी वाली झाड़ू है जिससे मोर नहीं सीधा भैंसा ही बनेंगे गुप्ता जी। दास, आपके यहाँ किसी भी सदस्य को कोई संस्कार नहीं है बात करने का? इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई है। oh, shit! Oh, shit! अभी हुई तो है, का फिर से चाहता हुई जाए। हमें यकीन नहीं हो रहा है डिंगर दास, ये तुम्हारा छोटा लड़कवा बोल रहा है। गुप्ता अपनी लौंडिया से हमारे बारे में जानकारी लेना, यकीन तो तब होगा तुम्हें। अब बड़ी वाली लौंडिया से हमारे बारे में ले लेना। गुप्ता ये तूने अपने होने वाले दामाद के रौंदा है थप्पड़, मम्मी कसम तेरी लौंडिया बजा के ना ले गया तो मेरा नाम भी चटनी नहीं।
नहीं चाहता चोटी माली चोट दियो वरना तुम्हारे और हमारे बीच महाभारत हुई जाएगी। क्या भाई साहब कभी बहुओं को उनका ससुराल भी दिखा दिया करिए, कोप भवन में घुसा रहते हो आप हर वक्त। मम्मी इसी बात का तो गुस्सा है, ये गुप्ता अपनी लौंडियों से मिलने नहीं देता है, साला काल कोटरी में ताला डाल के रखता है। डींगड़दा अपने लौंडों को सुधार देना वरना बीबी सहित उठवा लिए जाओगे। अरे गुप्ता जी गुस्साइए मत, अरे अरे ए कटो कैसी बातें कर रहे हो तुम गुप्ता जी से, परम रियाज है कि नहीं? तुम्हारे कान इधर लगे हैं, सफाई पे ध्यान दे रहे हो या नहीं? एक काम ढंग से नहीं होता है इस आदमी से। डींगड़दा ये आपका घर है यहाँ पर आप यहाँ पर नौकर है? आपकी बीबी तो बहुत रायता फैलाती है, समझा के रखिए जरा इनको नहीं तो डबा लेंगे अपने चूहों से। हाँ हम रायता फैलाते हैं, तुम्हारी बीबी तो रायता चाटती है, हम फैलाते हैं भाई चाटती है, मारूंगी एक थप्पड़ रौंद के ठाड़ी पोक चलने लगेगी गुप्ता तुम्हारी। अरे देखिए गुप्ता जी रायता तो आपकी बीबी भी बहुत फैलाती है पर उनकी बात हम दिमाग पे नहीं दिल पे लेते हैं, उसी प्रकार आप हमारी बीबी की बात दिल पर ही लीजिए दिमाग पर नहीं। डींगड़दास मेरी बीबी का चक्कर तुमसे चल रहा है इसीलिए वह मेरे लिए घास नहीं डालती है। गुप्ता घास हम लेके आए, चूसोगे तो बताओ। तमीज तू पिटकर ही रहेगा मुझसे, ये ले। गुप्ता तुम्हारी नानी कुटिया मारे चहुले। अरे 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 चाचा तुमने तो गुप्ता को भैंसिया बना दिया, पहले कह रहे थे कि भैंसा बनेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर कर देंगे हम। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कुछ मेरे बारे में भी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए BSR माहौल को सब्सक्राइब करें।